दोस्तों आए दिन हमारे भारत देश में गैंगस्टर की खबरें सुनने को मिलती रहती है। आज हमारे देश में ऐसे कई गैंगस्टर हैं जिनका नाम सुन के लोग कांप उठते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 ऐसे खूंखार और खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं जिनके नाम लूट, हत्या, रंगदारी, डकैती और अपराध के दर्जनों मामले शामिल है। तो प्लीज आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। सो नंबर 10 पर है बिल्लू सांडा। बिल्लू सांडा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। इस पर 3 हत्याओं सहित लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। आपको बता दें कि इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात के जालों को तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद यह कई कारोबारियों में रंगदारियों के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों के बाद पुलिस ने इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने इसके पास से एक पिस्तौल और कारतूस तथा चोरी के कई बाइक भी गिरफ्तार किया था। बिल्लू सांडा एक ऐसा गैंगस्टर है जो जेल से भागने से पहले ही वो दिन और तारीख बता देता है कि इतने तारीख को बिल्लू सांडा जेल से फरार हो जाएगा और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। बिल्लू सांडा के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं जिसमें वो बोलते नजर आता है कि मुझे डॉन बनना है, मेरा बाप बदमाश था और मैं भी बदमाश ही हूँ। आप देखिए इस वीडियो को। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश, जेल से फरार। नंबर 9 नीरज बवाना। दोस्तों टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 9 पर आता है दिल्ली के बवाना गांव का रहने वाला नीरज बवाना। इसके नाम से पूरे दिल्ली NCR में इतना ज्यादा खौफ है कि अगर कोई व्यक्ति नीरज बवाना का नाम लेकर कॉल कर दे तो सामने वाला डर से कांपने लगता है। इस पर हत्या, डकैती, लूट और किडनैपिंग के सैकड़ों मामले दर्ज है। इसने वर्ष 2004 में पहला कत्ल तब किया था जब यह नाबालिग था। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि नीरज बवाना ने कुख्यात अमितपुरा को भड़ी कोर्ट में गोलियां चलाकर भगाकर लेकर चला गया था। इसी वजह से इस पर अभी के समय में कई धाराएं लागू किए गए हैं और जेल में कैद कर दिया गया है। फिलहाल अभी यह जेल में कैद है। नंबर 8 सुनील राठी। दोस्तों सुनील राठी को कुख्यात गैंगस्टर में गिना जाता है जिसने जेल में कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी के सर में 10 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। वैसे तो सुनील राठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है लेकिन इसके नाम का खौफ उत्तराखंड तक है। अगर कोई व्यक्ति सुनील राठी का नाम लेकर किसी व्यापारी को कॉल कर दे तो उसकी पैंट गीली हो जाती है और जितनी रकम मांगता उसे देना ही पड़ता है। आपको बता दें कि इस पर हत्या, हत्या के प्रयास एवं लूटपाट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। कहा जाता है कि सुनील राठी के अंदर 150 से भी ज्यादा शूटर है जो सुनील राठी के एक इशारे पर काम को तमाम कर देता है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सुनील राठी इतना खतरनाक गैंगस्टर है कि इसके ऊपर उत्तराखंड के रुड़की जेल के डिप्टी जेलर की हत्या करने का भी आरोप है। नंबर 7 सुखा कहलावा। सुखा कहलावा एक ऐसा गैंगस्टर है जो कि पुलिस के एनकाउंटर को एक बार, दो बार, तीन बार नहीं बल्कि चार चार बार धोखा दिया है। पुलिस को 4 बार एनकाउंटर से धोखा देने के बाद लास्ट में अपने विरोधी गैंग से मारा गया। आपको बता दें कि इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास और कई लूटपाट के मामले भी दर्ज थे। आपको यह भी बता दें कि जनवरी 2015 में पुलिस के मौजूदगी में 15 से 20 हमलावरों ने सुखा पर 100 से ज्यादा गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी थी। उस दिन पंजाब पुलिस ने सुखापुर नाभा जेल से जलंधर कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। जलंधर कोर्ट में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुखा को वापस नाभा जेल ले जाया जा रहा था। उसी समय फिल्मी स्टाइल में पहुंची 2 फॉर्चूनर कार ने पुलिस के गाड़ी को घेर लिया। उसके बाद कार से आए हमलावरों ने सुखा पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कई गोलियां लगने की वजह से मौके पर ही सुखा कहलावा मारा गया। नंबर 6 दुर्लभ कश्यप। दोस्तों आज ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा जो दुर्लभ कश्यप को नहीं जानता हो। दुर्लभ कश्यप महज 20 साल की उम्र में ही पूरे उज्जैन शहर का डॉन बन गया था। लोग इसके नाम से डरते थे। दुर्लभ कश्यप एक दुबला पतला 20 साल का युवक था जो हमेशा अपने माथे पर तिलक, आंखों में काजल और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा करता था। कच्ची उम्र में ही दुर्लभ के इरादे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने का था। दुर्लभ ने 100 से अधिक युवाओं को अपनी गैंग में शामिल भी कर लिया था जिनसे वो रंगदारी, हफ्ता वसूली और लूटपाट जैसे अपराध करवाता था। लेकिन कहते हैं कि बुरे कर्मों का परिणाम भी बुरा ही होता है। 6 दिसंबर 2020 को एक चाय की दुकान पर एक दूसरी गैंग से विवाद हो गया था। गोली, बंदूक और चाकू की झड़ी लग गई। इस गैंग अवार में दुर्लभ मारा गया। कहते हैं कि दुर्लभ आज तो नहीं है लेकिन उसका गैंग आज भी एक्टिव है।
नंबर 5 पे श्री प्रकाश शुक्ला। दोस्तों श्री प्रकाश शुक्ला उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक ऐसा नाम था जिससे आम जनता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पुलिस और नेता भी खौफ जाते थे। ये 90 के दशक में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन कहलाता था जो खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन गया था। वर्ष 1993 में एक युवक ने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को देखकर सीटी बजा दी थी। इस पर श्री प्रकाश शुक्ला ने युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद ये जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते चला गया। ऐसे ताबड़तोड़ अंदाज में पुलिस और सरकार के लिए सर दर्द बन चुका था। सरकार ने इसके खिलाफ में एक मन बना लिया था, जिससे इसे निपटने के लिए एक स्पेशल फोर्स का निर्माण किया गया था। इस फोर्स का पहला टास्क श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना था। दोस्तों सितंबर 1998 में SDM को खबर मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। इसके बाद SDM उसके कार का पीछा करने लगी। जैसे ही उसका कार इंद्रपुरम के सुनसान इलाके में पहुंची, SDM ने उसे घेर लिया। SDM ने श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा, पर वो SDM पर ही फायरिंग करने लगा। जवाब में SDM ने भी फायरिंग की, जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। नंबर 4, पापला गुज्जर। दोस्तों वैसे तो पापला गुज्जर मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला है, लेकिन इसके नाम का खौफ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे बड़े बड़े राज्यों में भी है। पापला टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में शामिल है। वो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुआ है। कहा जाता है कि इसने अपने गुरु का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। इस पर हत्या एवं हत्या का प्रयास और मारपीट के दर्जनों मामले दर्ज है। पापला गुज्जर को फरवरी 2016 में अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए किए गए 4 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। एक साल तक जेल में रहने के बाद सितंबर 2017 में महेंद्रगढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान इसके साथी इसे भगाकर ले गए थे। हालांकि इसे पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सितंबर 2019 में इसके साथियों के द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमला कर फिर से भगाकर ले गए। नंबर 3, रुपिंदर गांधी। दोस्तों इस गैंगस्टर की कहानी बाकी सभी गैंगस्टरों से बिल्कुल ही अलग है। आपको बता दें कि पंजाब का रहने वाला यह लड़का 22 वर्ष की उम्र में ही सरपंच बन गया था। इतना ही नहीं, राष्ट्र स्तर पर फुटबॉल खिलाड़ी और पंजाब के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का छात्र भी था और गांव वालों के लिए एक प्यारा सा लड़का था, पर गांव के बाहर लोग इसके नाम से कांपते थे। रुपिंदर गांधी शुरुआत से ही कई राजनीतिक लड़ाइयों में भी शामिल रहा था, इसलिए बहुत से गैंगस्टर और नेता अपने रास्ते का रोड़ा मानने लगा था। इसके दुश्मन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इसे बीच रास्ते से हटाना चाहते थे। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2003 में इसकी ब्राह्मी से हत्या कर दी गई थी। इसे 5 सितंबर को अगवा करके सलोड़ी गांव में रखा गया था और यहीं पर इसे 2 गोलियां मारकर भाखड़ा नहर में फेंक दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि रुपिंदर गांधी के जिंदगी के ऊपर 2 पंजाबी फिल्में भी बन चुकी है। नंबर 2, मान्या सुर्वे। दोस्तों टॉप 10 गैंगस्टर के लिस्ट में नंबर 2 पर है मान्या सुर्वे। यह मुंबई का रहने वाला है और इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। जब इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो इसने अपने साथ बड़े कुछ दोस्तों को भी गैंग में शामिल कर लिया। मान्या को अपराध की दुनिया में उसके सौतेले भाई भर्गो दादा ने लाया था। उस समय भर्गो दादा का दहशत पूरे मुंबई में था। मान्या सुर्वे ने भर्गो दादा के साथ 1969 में एक मर्डर कर दिया था। इस कत्ल के आरोप में मान्या सुर्वे को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके कुछ दिन बाद तक वह जेल में रहा, फिर जेल से फरार हो गया। जेल से फरार होने के बाद मान्या सुर्वे मुंबई आ गया और फिर से अपने गैंग का निर्माण किया और सैकड़ों वारदातों को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसका तलाश शुरू कर दी। पुलिस लगातार मान्या सुर्वे की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जनवरी 1982 को मान्या वाडाला के कॉलेज के पास ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था, जिसकी खबर पुलिस को लगी और पुलिस ने उसी दिन मान्या सुर्वे को मुठभेड़ में मार गिराया था। नंबर 1, लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिलका का रहने वाला है। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1992 में हुआ था। इसने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इस पर 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 2011 में अपने साथी छात्र नेता के ऊपर हमला करने के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल जाने के बाद जमानत में बाहर आया, लेकिन इसके कुछ ही दिनों के बाद पिस्टल और करतूत के साथ फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष 2015 में पेशी पर जाने के दौरान यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन फिर इसे कुछ ही दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी के समय में दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद है। कहा जाता है कि जेल में रहने के बावजूद भी आसानी से अपने गैंग को चला रहा है। अभी इसके गैंग में 500 से भी ज्यादा अपराधी शामिल हैं। जेल के बाहर लॉरेंस बिश्नोई का काम गोल्डी बरार संभालता है। गोल्डी बरार ने पंजाब और पंजाब के बाहर कई कत्ल करवाए हैं। जब पुलिस उसके पीछे पड़ी तो भागकर कनाडा चला गया और आज भी वो कनाडा से ही अपने गैंग को चलाता है। सो दोस्तों यही थे भारत के 10 सबसे कुख्यात या फिर यूं कहें तो खतरनाक गैंगस्टर। वैसे आपको किस गैंगस्टर की कहानी सबसे जबरदस्त लगी और आप किसे लाइक करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
again. It's a rich team.